बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ फ्रेंड्स। आज 22 जनवरी बरोज़ बुध 2020 है और आज की सऊदी अरेबिया से एक अहम न्यूज़ अपडेट, गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी लेके आपके साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, जो खबर और न्यूज़ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कल बरोज़ मंगल को सऊदी काबीना का इजलास हुआ जिसकी सदारत किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने की। उस काबीना के इजलास में बहुत सारे फैसले किए गए थे, जिनमें सबसे अहम फैसला गैर मुल्कियों के लिए भी था और गैर मुल्कियों के लिए एक खुशखबरी भी है। ये अखबार 24 के मुताबिक ये सऊदी काबीना ने ये अलाउ किया है गैर मुल्कियों को कि वो 3 मंथ का इकामा अपना रिन्यू करवा सकते हैं, अपना इकामा 3 मंथ का क्वार्टरली इशू करवा सकते हैं। ये किंग सलमान की सदारत में इस इजलास में फैसला किया गया था कि वो गैर मुल्कियों को 3 मंथ का इकामा इशू करवा सकते हैं। अब अगर उनके पास फीस कम है या फीस एक साल की इकामे की बहुत ज़्यादा है, गैर मुल्की अपना एक साल का इकामा रिन्यू नहीं करवा सकते, तो उनकी फीस 3 मंथ का उनको अलाउ किया गया है कि वो 3 मंथ का इकामा भी रिन्यू करवा सकते हैं। क्वार्टरली 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ और उसके बाद फिर 3 मंथ, 4 क्वार्टर हो जाएंगे एक साल में। अगर वो एक साल का इकामा रिन्यू करवाएंगे तो इस सूरत में उनके इकामे की फीस रिफंड नहीं होगी। अगर वो 3 मंथ का इकामा रिन्यू कराते हैं तो फिर एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर का भी वो 3 मंथ का इकामा रिन्यू करवाएंगे। फ्रेंड, ये एक अच्छी खबर थी उन गैर मुल्कियों के लिए कि जिनके पास साल का इकामा लगवाने के पैसे नहीं हैं और कफील भी उनका इकामा नहीं लगवाता एक साल का, तो वो अपना 3 मंथ का इकामा लगवा के अगर वो छुट्टी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अगर उनके पास काम ही 3 मंथ का है तो वो काम 3 मंथ का करके, अगर उनके पास और पैसे हों तो फिर वो 3 मंथ का इकामा अगले क्वार्टर का भी लगवा सकते हैं। फ्रेंड, ये थी एक गैर मुल्कियों के लिए अच्छी खबर अखबार 24 की, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज इस खबर को बहुत सारे अखबारों ने नशर किया है, तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।